वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम बनाएंगे बहुत सुंदर सुंदर सी राखी, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, क्योंकि आज हम रेसिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना कि कलर्स का इस्तेमाल करेंगे, ना कि वैनिश का इस्तेमाल करेंगे। रेसिन की जगह पर कुछ और ही इस्तेमाल करेंगे, कलर की जगह पर कुछ और ही इस्तेमाल करेंगे, और वैनिश तो मेरे पास है ही नहीं, तो उसके जगह में कुछ और ही इस्तेमाल हम करेंगे। आज टोटली हम कुछ डिफरेंट बनाएंगे, पर उसका लुक टोटली वैसा ही लगेगा जैसे कि रेसिन का क्राफ्ट लगता है। तो चलो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच जाए। तो चलो आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट कलर के नेल पॉलिश है, और मैंने जैसे कि आप सभी को पहले से बताया था कि आज हम एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसके बदले आज हम इस नेल पॉलिश का इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास तो 4-5 कलर की नेल पॉलिश है, अगर आप सभी के पास कोई डिफरेंट कलर की है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कलर तो रेडी हो गया है, तो अभी हम क्या करेंगे ना, रेसिन के बदले क्ले का इस्तेमाल करेंगे। तो क्ले तो मैं ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो मैं एमसील का इस्तेमाल करती हूँ। आज भी हम एमसील का इस्तेमाल करेंगे। तो वैसा डिटो लुक आएगा कि नहीं आएगा तो मुझे नहीं पता, पर हम कोशिश जरूर करेंगे उसके जैसा बनाने के लिए। तो क्ले को, सॉरी, एमसील को हम क्या करेंगे ना, इसे फ्लैट कर लेंगे प्रोटेक्टर के मदद से, ताकि हम इसका शेप बना सकते हैं। तो शेप बनाने के लिए मैं एक छोटी सी प्लास्टिक की डिब्बा है मेरे पास, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए फ्लैट हो गया है, तो अभी हम एक छोटी सी डिब्बा का इस्तेमाल करेंगे, प्लास्टिक डिब्बा का। तो ये वाली जो डिब्बा है टूथपिक स्टिक का है, अगर आप सभी के पास कोई दूसरा, मतलब कोई और शेप की डिब्बा है, आप उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि हम इजीली एक शेप बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल तरीके से शेप बन गया है, और चारों तरफ से मैंने उंगली की मदद से साइज कर लिया है। ऐसे ही मैंने 6-7 बना लिया है टोटली। तो अभी हम क्या करेंगे ना, होल करेंगे दोनों की तरफ से, ताकि हम वहाँ पर धागा बांध सकेंगे। तो होल करने के लिए हम एक पतली सी स्टिक का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर होल कर लिया है। होल करने के बाद हम इसको क्या करेंगे ना, अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से ड्राई हो गया है। तो ड्राई होने के बाद हम अभी क्या करेंगे ना, कलर करेंगे। तो कलर करने से पहले हम नीचे एक प्लास्टिक का पेपर रख देंगे, ताकि हमारा जो टेबल है वो ख़राब ना हो जाए। तो और हाँ, मैंने पहले से आप सभी को बताया था कि आज हम कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आज हम नेल पॉलिश का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर नेल पॉलिश का इस्तेमाल किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तो यहाँ पर पिंक कलर नेल पॉलिश का इस्तेमाल किया है, अगर आप सभी के पास कोई डिफरेंट कलर की नेल पॉलिश है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, अगर आप यहाँ पर कलर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने फ्रंट का जो हिस्सा है उसको मैंने पिंक कलर कर लिया है, और जो चारों तरफ से जो साइड है वहाँ पर हम स्काई कलर से कलर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो नेल पॉलिश की ब्रश आता है वो बहुत मोटा आता है, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर एक पतली सी स्टिक का इस्तेमाल करूँगी, तो उसके मदद से मैं यहाँ पर चारों तरफ से इजीली कलर कर पाऊँगी। आप यहाँ पर कोई भी पतली सी ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम व्हाइट एक्रेलिक कलर को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर बीच में नेम लिखना था। अगर आप चाहते हो तो ये वाला जो प्रोसेस है आप इसको स्किप कर सकते हो। मैंने पहले से बताया था कि आज हम एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर मुझे नेम लिखने के लिए यहाँ पर एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि जो ब्रश है, जो पतली सी ब्रश के मदद से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, उसको अगर मैं नेल पॉलिश के मदद से लिखती तो जो ब्रश है वो ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल किया है। तो देखिए अच्छे से ड्राई हो गया है, और मैंने बहुत सुंदर से यहाँ पर नेम लिख दिया है मेरे छोटे भाई का। तो और हाँ, वैनिश के बदले हम इस नेल पॉलिश का इस्तेमाल करेंगे। तो कलर के बदले भी हमने नेल पॉलिश का इस्तेमाल किया था, और वैनिश के बदले में भी हम नेल पॉलिश का ही इस्तेमाल करेंगे। तो नेल पॉलिश को लगाने के बाद हम इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और हाँ, अभी हम धागे का इस्तेमाल करेंगे।
तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर के धागे का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर आपको प्रोसेस देखकर ही समझना पड़ेगा। मैं बताकर आप सभी को बोल नहीं सकती हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए, अच्छे से ड्राई हो गया है। अभी हम इस वाली चीज़ को, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इसके मदद से हम बहुत सिंपली धागे को इसके अंदर डाल सकते हैं। और हाँ, आप इसके बदले सुई धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोनों तरफ से धागा बांधने के बाद हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा ग्लिटर का इस्तेमाल करेंगे। बहुत प्लेन था इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ग्लिटर लगा देती हूँ, थोड़ा सा इसका जो लुक है बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने लगा दिया है। और हाँ, मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर के ग्लिटर का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, हमारा जो धागा है उसको तो ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, इसीलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने राखी को दोनों तरफ से डेकोरेट कर लिया है, और हमारी जो राखी है वो बनकर रेडी हो गई है। और हाँ, मैंने ऐसे ही टोटली 5 राखी बनाया है। मैंने आप सभी को पहले से 7 राखी दिखाया था, जो क्ले के मदद से मैंने शेप दिया था, पर पता नहीं दोनों राखी कहाँ पर गिर गए, मुझे मिल नहीं रहा है। तो चलो देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और जैसे कि मैंने आप सभी को पहले से बताया था कि आज हम ना कि रेसिन का इस्तेमाल करेंगे, ना कि कलर का इस्तेमाल करेंगे, और ना ही वार्निश का इस्तेमाल करेंगे, पर उसका लुक टोटली वैसा ही लगेगा जैसे लगता है रेसिन का क्राफ्ट। तो आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। स्टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।